देश में अब सहकारिता क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना को मंजूरी मिली है। इस योजना के जरिए मौजूदा 1,450 लाख मीट्रिक टन की भंडारण क्षमता को बढ़ाकर 2,100 लाख मीट्रिक टन कर दिया जाएगा। देश के हर ब्लॉक में 2,000 मीट्रिक टन की क्षमता वाले गोदाम बनाए जाएंगे। सरकार इस योजना पर करीब 1 लाख करोड़ रूपये खर्च करेगी। इस योजना से किसानों को अन्न का भंडारण करने में मदद तो मिलेगी ही, उन्हें उपज की बेहतर कीमत भी मिल सकेगी। केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सहकारिता के क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना के लिए एक अंतर मंत्रालय समिति के गठन और सशक्तिकरण को अनुमोदन प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। मोदी सरकार सहकारिता को बढ़ावा देने के लिए लगातार फैसले कर रही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में देश में भंडारण सुविधाओं को बढ़ाने की दिशा में अहम फैसला लिया गया। कैबिनेट ने विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना को मंजूरी दी। इसके तहत सहकारिता के जरिए देश भर में 700 लाख टन अतिरिक्त अन्न भंडारण क्षमता विकसित की जाएगी। इससे जहाँ किसानों को अनाज रखने की सहूलत होगी, वहीं खाद्यान्नों के ट्रांसपोर्ट पर होने वाला खर्चा भी कम होगा, साथ ही सहकारिता क्षेत्र को भी बढ़ावा मिलेगा। अब हम सहकारिता के क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी भंडारण योजना की शुरुआत करने जा रहे हैं। अभी तक कुल मिलाकर 1450 लाख टन भंडारण की क्षमता है, अब 700 लाख टन भंडारण की क्षमता सहकारिता के क्षेत्र में शुरू होगी। पंचायत स्तर पर रोजगार के अवसर खड़ा करेगा, किसानों का आय वर्धन होगा। और इसके ऊपर कितना पैसा खर्च होगा? लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की लागत से विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना हम सहकारिता क्षेत्र में शुरू करेंगे। मौजूदा समय में देश में कुल जरूरत के लिहाज से महज 47% ही अन्न भंडारण क्षमता है, जो विकसित देशों के मुकाबले काफी कम है। अब सरकार अन्न भंडारण योजना के जरिए मौजूदा 1450 लाख टन से भंडारण क्षमता बढ़ाकर 2150 लाख टन करने जा रही है। इससे किसानों को अन्न का भंडारण करने में मदद मिलेगी और उनकी उपज की बेहतर कीमत भी मिल सकेगी। एक अन्य अहम फैसले में कैबिनेट ने CITIIS-2 योजना को भी मंजूरी दी है। इस योजना पर कुल 1866 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। स्मार्ट सिटीज के अंतर्गत सन 2018 में सिटी इन्वेस्टमेंट्स टू इनोवेट इंटीग्रेट एंड सस्टेन CITIIS-1.0 कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था, जिसके अंतर्गत उस समय 12 चयनित शहरों में स्मार्ट स्कूल्स, ग्रीन मोबिलिटी कॉरिडोर, बायोडायवर्सिटी पार्क आदि जैसे इनोवेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स क्रियान्वित किए जा रहे हैं। इसके जो ये कार्यक्रम चल रहा है, अब इसके चलते आज सिटी इन्वेस्टमेंट्स टू इनोवेट इंटीग्रेट एंड सस्टेन CITIIS-2.0 शुरू करने की घोषणा की गई है, निर्णय किया गया है। इसके कंपोनेंट्स CITIIS-1.0 की तरह 3 कंपोनेंट ही रहेंगे, लेकिन इसके ऊपर खर्चा जो है वो 1866 करोड़ रुपए इसके ऊपर खर्चा आएगा। कैबिनेट की बैठक में केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर देश की जनता का आभार जताया गया। केंद्रीय मंत्रियों ने पीएम मोदी को बधाई दी। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि बीते 9 वर्षों में सभी अहम मोर्चों पर देश की तस्वीर बदली है। मोदी सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं से आम लोगों का जीवन स्तर सुधरा है। आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से आगे बढ़ रही अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है, जबकि 9 साल पहले हालात ऐसे नहीं थे। देश ने बीते 9 वर्षों में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं।